हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच दिस इज नितेश भारद्वाज कैसे हो आप आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है आज हम मराठा एम्पायर के बारे में जानेंगे आइए तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं मराठा एम्पायर में जो बहुत ही प्रसिद्ध रूलर थे वो कौन थे शिवाजी छत्रपति शिवाजी थे जिनके सोलह सो से लेकर सोलह सो अस्सी तक जो है ये जीवित रहे थे शिवाजी वॉज बोर्न इन सोलह सो सताइस इनका जन्म कब हुआ था सोलह सो सत्ताईस में हुआ था कहाँ पर शिवानर फोर्ट में नियर फादर पूनादरबाज इनके फादर का क्या नाम था शाहजीव भोसले था और इनकी माता का नाम क्या था जीजाबाई था यह क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनकी माता का क्या नाम था जीजाबाई इनकी माता का नाम था और शिवाजी के जो धर्म गुरु थे स्पिरिचुअल गुरु थे वो कौन थे वो थे समर्थ रामदास जी और सोलह सो छप्पन में इन्होंने जो है अपनी कैपिटल बनाई थी किसको रायगढ़ में जो है अपनी कैपिटल बनाई थी सोलह सो एडी में शिवाजी कॉरोनेटेड एज इंडिपेंडेंट रूलर इन द फोर्ट ऑफ रायगढ़ महाराष्ट्र सोलह सो एडी में जो है इनका राज्य अभिषेक किया गया था एज अ इंडिपेंडेंट रूलर इन द फोर्ट ऑफ कहां पर रायगढ़ किले में महाराष्ट्र में जो है एंड गेन द डिग्री ऑफ छत्रपति और इनके नाम के साथ क्या लगा था छत्रपति शिवाजी और इनकी मृत्यु कब हुई थी सोलह सो एडी में जो है छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हुई थी अब मराठा एम्पायर के ऊपर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो अभी हम पढ़ते हैं इनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है हु ब्रिटिशर मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो है ब्रिटिशर की अपोज किसने किया था तो वो किया था मराठा ने और द वर्ड पेस वाइज रिलेटेड टू पेस वर्ड किस रिलेटेड है यह है मराठा से रिलेटेड द ट्रीटी ऑफ पुरंदर सोलह सो पैंसठ एडी वॉज बिटवीन हूम जो ट्रीटी हुई थी समझौता हुआ हो था पुरंदर में सोलह सो में यह किस और किसके बीच में हुआ था यह हुआ था मुगल और मराठाओं के बीच में बिटवीन हूम वार और पानीपत थ्री फोर अभी तक हमने पानीपत एक और पानीपत दो की लड़ाई में पढ़ा था तो आज जो है हम पानीपत थ्री के बारे में पढ़ेंगे कि पानीपत थ्री की लड़ाई किस और किस के बीच में हुई थी यह हुई थी अहमद शाह अब्दाली जो कि कहां के थे अफ़ग़ा अफगानिस्तान में थे वर्सेस मराठा के बीच में जो है पानीपत तीसरा युद्ध हुआ था और यह कब हुआ था यह हुआ था सतारह सो

ज द पॉलिसी ऑफ शिवाजी अगेंस्ट मुगला आ, आ, मुगलों के अगेंस्ट जो है शिवाजी की क्या पॉलिसी थी तो उनकी जो पॉलिसी थी वो थी गुरिला वार गोरिल्ला युद्ध की पॉलिसी थी किसकी शिवाजी के अगेंस्ट मुगल के वट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ शिवाजी शिवाजी के समय में जो मेन इनकम कहाँ से आती थी तो यह आती थी चौथ और यह क्या चीजें थी ये दो जो थे टैक्स थे क्या थे ये टैक्स थे चौथ एंड और मराठा रूलर कौन कौन से हैं जो इंक्रीजिंग लिखे गए हैं सबसे पहले जो हुआ है शिवाजी हुए हैं सोलह सो चौहत्तर एडी से सोलह सो अस्सी एडी तक उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर संभाजी हुए हैं सोलह सो अस्सी से लेकर सोलह सो नब्बे ईस्वी तक उसके बाद राजराम हुआ है, राजाराम हुए हैं राजा राम सोलह सो नवासी से लेकर सतारह सो एडी तक उसके बाद ताराबाई हुए हैं सतारह सो लेकर सतारह सो सात एडी तक उसके बाद साहू हुए हैं सतारह सो सात एडी से लेकर सतारह सो उनचास एडी तक आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी इसी तरह की और वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच के साथ धन्यवाद जय हिंद जय भारत